हाँ देख लो YouTube आई एशिया। आज तक नोनू को ही खुश करता था, आज YouTube ने बोला बेटा तू भी खुश हो जा। इधर रखना, देख रहा है ये सेम YouTube अब अपुन की इज्जत करने लग गया है। सपने भी तेरे ही देखूं जो सोने ना देती है रातें, अब हाल भी तुझसे ही बांटू क्यों अनजाने लगते हैं बाकी सब। तू ही बता दे क्यों अकच तेरी वे दिखता है मेरा रब। तो गाइस हम जा रहे हैं अपना फर्स्ट टाइम जैम सेशन करने। यू नो हमारा एक कॉन्सर्ट होने वाला है दिल्ली में, और उसके लिए हम जैम सेशन के लिए जा रहे हैं। हमारे दोस्त हमारे को लेने आया है, और ये रहे पाजी। कैसा है, कैसे हो भाई? बढ़िया, एकदम बढ़िया। पाजी को कल ही हमने ब्रॉडकास्ट चैनल से निकाला, कैसा लग रहा है भाई? ये अच्छी हरकत थोड़ी ना, चले पहले मगड़े करे पाजी। किद्दा ऐसा क्यों करा वैसे आपने पाजी? आप मेरी गंदी गंदी फोटो शेयर करते पाए हो। स्टूडियो सेशन लोगों को दिखाओ, काम कर रहे हो। अरे स्टूडियो सेशन दिखाओ ना, मोटा पेट ऐसा फुला के बैठा हुआ हूं, खा रहा हूं बेटा थोड़ा। और भाई ये मैं बता रहा हूं, ये पुराना बदला निकाला गया, कोई और कुछ नहीं। लेट्स गो यो बॉयज। अभी दो दिन बाद फिर ऐड करेगा, मैं बता रहा हूँ। अरे आज ही ऐड कर देंगे ये होता है भाई। ये बताओ जैम सेशन कहाँ पर है भाई? जैम जगह बता सकते हैं ना? हाँ बता भाई, ये है एड्रेस पूरा बता नहीं बस। तिलक नगर, तिलक नगर हम जा रहे हैं। बड़ा एंजॉय करेंगे, अपना जैम सेशन करेंगे, गाने गाएंगे ना दिन लंगन ना। ऐसे तो मैं जोश में गलत कर रहा हूं, वैसे मैं बहुत अच्छा गाता हूं भाई। सेलिब्रिटी होने का पूरा पूरा फायदा उठा रहे। जैम सेशन 2 बजे से था, और मैं कोई सेलिब्रिटी का फायदा नहीं उठा रहा। इसने मुझे फोन करके बोला भाई, मैंने बोला भाई कब है? कह रहे 2 बजे शुरू हो गया। मैं कहा चल क्यों नहीं रहा? कह रहे आराम से चलेंगे ना 2:40 पे। खुद की गलती है ये, मुझे खुद सेलिब्रिटी फील करवा रहे, मैं तो अपना ऐसे खुश हूँ। तो गाइस वी आर हियर एट द स्टूडियो, और हमारे साथ एक और लड़का ज्वाइन कर दिया। गाते एक बार एक ही तो गाना आता है, देखो फ्लाई हाई। भाषा भाषा भाई, भाषा भाई आपका भाई, भाषा भाई मिनिएचर है भाषा भाई। और ये हमारे ड्रमर साहब, क्या हाल है जैकब भाई? एक बार बजा के तो दिखा दो। अभी बजाएंगे। ये जतिन भाई क्या हाल है? बढ़िया। तुम बजा के दिखाओ गिटार। ओहो यहाँ तो बिल्कुल एकदम फील है भाई। ओहो भाई 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 शवाई लेट है आओ। इतना बड़ा गिफ्ट किसके लिए आया है? वाजा YouTube वालों ने भेजा है। इज्जत करने लग गया है। ये कह रहा है जो तू अब पा रहा है मैं बहुत पहले पा चुका हूँ। तेरा अब टाइम आया बेटा। योगा मैट नहीं है, माउस पैड है। आया भी किसके लिए? टेबल पे वो। ये क्या करेगा माउस पैड का? ब्रो आई एम अ गेमर। कब से? कोई 3 गेम्स के नाम बताइयो। माइनक्राफ्ट अच्छी वाली गेम। क्या बोली थी लड़की? स्नैपचैट वाली गेम्स बताओ। स्नैप बेटा, रेजिडेंट इविल 4, डोटा, रेजिडेंट इविल 4, रेजिडेंट इविल 3, रेजिडेंट इविल 2, रेजिडेंट इविल 1। भाई साहब देख लो ये क्या है, चश्मा। ये क्यों? अरे वो पीसी पे पहन के बैठ ले। तेरी आंखें खराब ना हो। के कपड़े टी-शर्ट। ओ सेम YouTube वाली तेरे को मिली गई हुडी। ये क्या YouTube का रिमोट? नहीं ये क्या है? ये रही वही बॉटल YouTube वाली। सेम। ये क्या है? मैं यूज करती हूँ ये। हाँ ये मम्मी यूज करती है। ठीक है बे। वॉलेट। अरे वो चश्मा है ना उसका। थैंक यू YouTube, आई लव यू। ये जिम बैग मिल गया मम्मी। हाँ। आपसे जिम भी जाएंगे और बैग। तो ये नोनू वाला बैग भी तो तू ही लेके जाता है, वो सामने पड़ा हुआ है। सच में पड़ा हुआ है क्या? हाँ सच में पड़ा हुआ है, वहीं पे पड़ा हुआ है। बधाई हो, आपको भी रिकॉग्निशन मिली YouTube से। इज्जत दे रहा YouTube अपने। थैंक्स YouTube। लेटर दैट नाइट। हेलो गाइस, रात हो गई है और मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा था हैरियर में। हैरियर ये रही, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा तालाब बना पड़ा है। इतनी सी बारिश नहीं हुई है और पूरा तालाब बन रखा है। बाय गॉड, अब तक एशीज कैसल खेल के पार करके जाना पड़ेगा। ओ तेरी, अबे पर दरवाज़ा तो उस साइड है। ओके गाइस, तक एशीज कैसल खेलना फ्लॉप हो गया, वापस जाना पड़ेगा। अबे यार ये तो पूरा सच में कीचड़ है। भाई ने 200 IQ लगा लिया है।
पैसेंजर वाली सीट की साइड से एंटर करके ड्राइवर वाली सीट पे जाएगा। ओ माय गॉड। अरे यार छी भाई, पूरी गाड़ी गंदी कर दी, ये देखना। आय हाय हाय हाय, इधर भी इधर भी। सुबह बहुत मार पड़ेगी फ्रेंड्स। व्हाट अ हैंडसम बॉय, इससे तो बड़ा मजा आएगा। देखो मेरी गाड़ी ना सड़क के उस तरफ लगी हुई है और इसकी इधर थी, तो मैंने इस इंसान को बोला कि भाई मेरी गाड़ी सड़क के उस तरफ है, मेरे को वहाँ छोड़ दे। तो ये बोलता नहीं, मुझे सीधा जाना है। तो मैंने बोला कोई नहीं, एक बार मेरे को सड़क के उधर छोड़ के वापस घुमा के ले आइयो और फिर सीधा चले जाइयो। तो अगले का मुंह बन गया। दिस फॉर यू फॉर कॉलिंग मी हैंडसम। तू मेरे लिए कॉफी वाइट लाया है? यस। तेरे को हैंडसम बोलने के बदले में तू मेरे को कॉफी वाइट दे रहा है? यस। तू तो बहुत सेक्सी बॉय है, तू तो लड़कियों का राजकुमार है। दे अब और कुछ दे। नहीं, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जो चाह रहा है वो नहीं मिलेगा। है क्या कह रहा है? अब क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? वैसे ही तेरी ब्यूटी दिखा रहा हूँ। तेरी ब्यूटी दिखाने के बदले में शायद इस व्लॉग पे ज्यादा व्यूज आ जाएंगे। भाई कुछ ज्यादा ही तेज नहीं चला रहे आप? ये रही हैरियर। ओके बाय बाय, डोड़ा खेलते हैं। ओके ओके, कितनी जल्दी है इसको मेरे को भगाने की। जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। चल ठीक है भाई, बाय बाय। ऑल राइट गाइस, कॉफी बाइट लेके आ गए हैं हम। खुल जा सिम सिम। भाई मैं एक अच्छा व्लॉगर नहीं बन पाऊंगा सैडली, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब व्लॉग करते हैं कब नहीं करते हैं। मैं जब जगहों से निकल रहा होता हूँ तब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। ओके गाइस, हेलो गाइस, अभी घर जा रहा था तो पापा का फोन आया। पापा जो है वो रास्ते में पंजाबी बाग में किसी क्लब में है, तो पापा ने मुझसे पूछा क्या मैं उनको रास्ते में पिक कर सकता हूँ। तो मैंने बोला बिल्कुल कर सकता हूँ डैडी। तो अभी मैं पापा को पिक करने जा रहा हूँ। देखो मैं कितना प्यारा बच्चा हूँ, ये बात रिकॉर्ड करने के लिए गाड़ी साइड में रोकी है। फॉर रियल, गाड़ी साइड में लगा के मैं ये चीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज व्लॉगिंग करनी है लेकिन रूल्स फॉलो करते करते, बिकॉज आज्ञाकारी बच्चा सो। एनीवेज, हाँ तो अभी पापा जो है वो किसी क्लब में है एंड उनको घर जाना था। उन्होंने पूछा क्या तू आ सकता है, मैंने बोला ऑफ कोर्स डैडी, आई एम ऑन माय वे। तो अब हम पापा को पिक करने जा रहे हैं। यस, लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ गाइस। वेट करते करते 15 मिनट हो चुके हैं पर पापा तो आ ही नहीं रहे हैं। अब मैं आ गए शायद, क्या वो पापा है? अबे नहीं है, ये तो कोई और है। बहुत वेट कर रहा हूँ यार, पापा ने बोला आ जा, अब आ गया, अब आ नहीं रहे, खुद नहीं आ रहे। आ जाओ पापा, वेट करते करते अब तो 10 साल हो गए। ओ आ गए। ओ मलहन साहब, ऑल हेल ऑल माइटी मलहन साहब। अरे स्वागत है, स्वागत है, क्या बात है, आ गए। ओके गाइस, पापा आ गए हैं, अब गाड़ी चला के घर जाएंगे। हा हा, घर पे मिलते हैं। 20 minutes later. भाई मैं पापा को पार्टी से ले जाने के लिए आया था, पापा जबरदस्ती मुझको पार्टी में ले आए हैं। भाई कसम से। भाई एक बात बता, रात के 2 बज गए, तू 11 बजे आ रहा था, मैं जा रहा हूँ तेरे लिए। अच्छा देखो, मम्मी ने मेरे को फोन किया, मम्मी कहती कहाँ रह गया, 11 बजे की बात है। मैंने कहा बस निकल गया हूँ, ठीक है। उसके बाद पापा का फोन आता है मेरे को, कह रहे मैं ना पंजाबी बाग में हूँ, एक पार्टी में हूँ, मुझे पिक कर ले। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ, रास्ते में ही हूँ। मैं पार्टी में पहुंचा, मतलब नीचे ही था, तो मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। 15 मिनट बाद पापा आए और आके मुझे पूछते हैं, 5 मिनट ऊपर चल रहे, सारे बुला रहे हैं तेरे को। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं पापा को लेने पार्टी में गया था, वहां पे 3 घंटे अंकल आंटियों ने नचवाया मुझे। 2 बज गए, 11:15 से लेके 2 बजे तक मैं वहां पे नाच रहा हूँ। आने ही नहीं दे रहे, कह रहे नहीं नहीं बेटा बस 5 मिनट और 5 मिनट और। 11 से लेके 2 बजे तक नचवाया है मुझे, मैं उनको लेने गया था बता पार्टी पे। डांस करके देखो कैसे डांस करके ऐसे करके आया। ऐसे तो नहीं नाचा होगा, ऐसे ही नाचा था। दिल लेना दिल देना के सौदा टिकड़ी टिकड़ी टिकड़ी, बस नाच रहा। कोई भी हो मैं बैठ जाता, मैं कहा अच्छा चलो सांस ले लेता हूँ, फिर कोई आता अरे एक एक स्टेप हमारे साथ भी, एक हमारे साथ भी, मैं चलो ठीक है आपके साथ भी नाच ले रहा हूँ, फिर कोई आता एक हमारे साथ भी कर ले, मैं बैठता हूँ कोई ना कोई आके फिर डांस कराने लग जाता। दिल लेना दिल लेना। ओके गाइस, सोने का टाइम हो गया है।
चिक चेचना।